तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज के जुड़े में आप सभी लोगों को धनी से भी बेस्ट एक एप्लीकेशन बताऊं जिसमें गाइज आपको अप टू 8% तक कैशबैक मिल सकता है। जैसे कि आपको पता हो कि धनी में भी सिर्फ 1% का कैशबैक मिल रहा है, पहले 2% का मिलता था, अब उसे घटाकर 1% कर दिया गया है। लेकिन एक एप्लीकेशन आपको बताऊंगा जिसमें आप 8% तक कैशबैक कमा सकते हो, और कैसे कमाना है सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, लाइव आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि गाइस जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आते हैं, लूट आते हैं, सब कुछ आपको वहीं पर देखने के लिए मिलता है, तो मस्ट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि एक दो दिन पहले यहाँ पर बजाज का एक लूट आया था जिसमें गाइस आप अनलिमिटेड टाइम 50-50 करके लूट सकते, तो वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर ही बता दिया था, तो मस्ट उसे ज्वाइन कर लीजिए इसी तरह के बग लूट अपडेट सब कुछ पाने के लिए। तो चलिए गाइस आज के इस लूट की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो लूट है वो FYP एप्लीकेशन की ओर से निकल कर आ रहा। आपको पता होगा इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपको नहीं पता कि FYP में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे KYC करना है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा और KYC जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा KYC प्रोसेस है, सिर्फ आधार कार्ड के डिटेल्स वगैरह लगता है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर ट्रिक बता देते हैं। बेसिकली जैसे कि आपको बताया कि धनी में 1% का कैशबैक मिलता है कार्ड के थ्रू, इसमें भी आपको एक कार्ड मिलेगा, वीजा डेबिट कार्ड मिलता है, तो उसमें आपको अप टू 8% तक मिल सकता है। कैसे आपको कमाना है सब कुछ बताऊंगा। अप टू 8% गाइस, पूरा 8% आपको नहीं मिलेगा, लेकिन धनी से तो ज्यादा ही मिलेगा। चलिए गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर FYP एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लिया, आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, देख लीजिए। आपको गाइस मेन पेज पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा, यहाँ पर एक मिशन है, रिवॉर्ड है, स्प्लिट यहाँ पर रिवॉर्ड करके, इस तरह करके 3-4 ऑप्शंस रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सेकंड में एक ऑप्शन मिलेगा रिवॉर्ड्स का। पहले मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ कितना कैसे कैशबैक मिलेगा आपको। तो चलिए जैसे कि मैं रिवॉर्ड्स पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। रिवॉर्ड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिंट शो होंगे 50, जैसे कि मेरे पास 50 मिंट अभी यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसी तरह आपको कुछ मिंट आपके पास होंगे वो शो हो जाएंगे। इसी मिंट को हमें कमाना है, यही मिंट हम अर्निंग करेंगे तो इसी से हमें प्रॉफिट होगा। तो कैसे इसे कमाना वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि हमें कितना कैशबैक मिल सकता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि नीचे करते हैं स्लाइड, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 1 रुपये अगर हम स्पेंड करते हैं तो उसके लिए हमें 4 मिनट मिलेंगे, यानी कि 4 कॉइन समझ लीजिए, 4 कॉइन हमें मिलेंगे। लेकिन गाइस इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि किसे 4 कॉइन मिलेगा। तो नीचे देखिए लिखा हुआ है कि 4x ऑन फिजिकल कार्ड, 1x ऑन वर्चुअल कार्ड, यानी कि अगर आपके पास इसका वर्चुअल कार्ड है तो सिर्फ 1x मिलेगा, और अगर आपके पास इसका फिजिकल कार्ड है तो उसके लिए आपको 4x यहाँ पर कॉइन मिलेगा, यानी कि 1 रुपये खर्च करोगे तो 4 कॉइन मिलेगा अगर आपके पास इसका फिजिकल कार्ड है। फिजिकल कार्ड आप ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बैक आइएगा तो कार्ड के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको इसका कार्ड शो हो जाएगा। नीचे देखिए ऑर्डर कार्ड का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पर प्राइस देखिए 399 शो हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको चेक ऑफर पर आप क्लिक कीजिएगा तो स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जैसे आप स्क्रैच कार्ड, जैसे कि मुझे 200 का डिस्काउंट यहाँ पर शो हो रहा है, फिर भी हमें 199 हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा आपको इस कार्ड को लेने के लिए। तो चलिए गाइस, 1 कॉइन ही हमारे लिए काफी है, वर्चुअल कार्ड में हमें 1 कॉइन मिल जाएंगे, इससे भी गाइस अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, धनी से तो ज्यादा ही मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर होम के बटन पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको एड मनी करना पड़ेगा, वही प्रोसेस है गाइस जैसे कि धनी में आपको एड मनी करके उसे स्पेंड करना पड़ता था, उसके लिए कैशबैक मिलता था, उसी तरह इसमें भी मिलेगा। इसमें आप कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर प्राइजेस मिल जाएंगे। धनी में क्या होता था गाइस कि हमें स्पेसिफिक यहाँ पर एप्स खोजने पड़ते थे, उसी में हमें कैशबैक मिलता था, लेकिन आप इसे कहीं पर भी स्पेंड करोगे तो आपको इसके लिए कैशबैक मिल जाएंगे। चाहे फास्टैग रिचार्ज करो, कुछ भी करो, तो उसके लिए आपको कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि एड मनी का ऑप्शन है, चलिए एड मनी पर हम क्लिक करते हैं। एड मनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस मैं 1000 रुपीज एड कर रहा हूँ, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए नीचे लिमिट मिल जाएगा आपको 1 लाख रुपए तक आप यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर 1 मंथ में। तो जैसे कि मैं 1000 ही करता हूँ, आप अपने हिसाब से जितना आपको करना है कर लीजिएगा। 1000 करने के बाद ऐड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी UPI ऐप्स आ जाएंगे, कोई भी एक ऐप से पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेटीएम को सिलेक्ट किया, पेटीएम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए पासवर्ड वगैरह मैंने डालकर सिंपल से पेमेंट कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर 1000 रुपये मेरे FYP अकाउंट में यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसी पैसे को यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। जैसे ही निकालोगे तो इसमें आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो बस यही मेन निकालने का ही प्रोसेस है पैसे को। इसी में प्रॉब्लम्स आती है कि हम किस मेथड के थ्रू इस पैसे को निकालें। तो एक दो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सिंपल फास्टैग का, जो मैंने यूज भी किया है। अब साइड में देखिए मैंने फास्टैग पेटीएम में गया, मैं फास्टैग रिचार्ज पर क्लिक किया। जैसे कि मेरा फास्टैग एक्टिव अभी शो कर रहा था, तो मैंने 1000 रुपये, या मेरा 1013 रुपये था टोटल, तो मैंने 1013 रुपये डाला। और यहाँ पर जो कार्ड का ऑप्शन आता है नीचे में, डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके, और इसका जो कार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह का वीजा कार्ड आपको शो हो जाएगा। इसे गाइस आपको बस इस तरह स्लाइड कर देना कार्ड पर, तो ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर कार्ड नंबर जो भी एक्सपायरी सीवी है सब शो हो जाएगा। वहाँ पर पेटीएम मैंने इसका सब कुछ डिटेल डाल दिया और ओटीपी आ गया मेरे फोन नंबर पर। सक्सेसफुली मेरे यहाँ पर फास्टैग रिचार्ज हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर फास्टैग रिचार्ज हो जाता है तो यहाँ पर देखिए ऊपर से मुझे एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है और यहाँ पर ऐप में भी मैं खोलकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 1013 मिनट मिल चुके हैं, यानी कि 1013 कॉइन मिल चुका है। अब गाइज मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में जाता हूँ। अब गाइज चलते फिर से रिवॉर्ड्स के आइकन पर। रिवॉर्ड्स के आइकन पर जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मिनट शो हो रहा है कि 1063 मिनट टोटल हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से देखिए ऊपर एक आर्केड का एक ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आर्केड पर क्लिक कर देना है। आर्केड पर क्लिक करने के बाद ये गाइज जो स्पिन का ऑप्शन है, स्पिनर्स जो लिखा है, इसे आप मत ही कीजिएगा, एकदम बेकार है, इसको आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रैच कार्ड शो होंगे, बस इसी स्क्रैच कार्ड को आपको स्क्रैच करना है। पहला में देखिए 100 कॉइन में एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, दूसरा 200 कॉइन में, एक 300 में, एक 500 कॉइन में। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पहला बार मैं 500 कॉइन का क्लिक करता हूँ। 500 पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद बर्न 500 मिंट करके ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया मेरा 500 कॉइन कट गए और यहाँ पर देखिए मुझे एक स्क्रैच कार्ड मिला। जैसे मैंने इसे स्क्रैच किया मुझे देखिए फ्लैट 15 रुपीज यहाँ पर मिल चुके हैं। ये 15 रुपीज मेरे वॉलेट में आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए बगल में 300 कॉइन वाला भी है। अब मैं क्या करता हूँ कि 300 कॉइन वाले पर क्लिक कर देता हूँ, इसमें 300 बर्न कर देता हूँ मिंट को। उसके बाद जैसे किया मुझे देखिए एक और स्क्रैच कार्ड मिला, इसमें मुझे 10 रुपए मिल चुके हैं। अब 10 रुपए मिल गया, मेरे पास सिर्फ 200 मिनट बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, 200 वाला भी जो है 200 वाला को स्क्रैच कर लेता हूँ। 200 में जाता हूँ, बर्न मिनट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख लीजिए मैंने स्क्रैच कार्ड मुझे मिल चुका है। मैं जैसे स्क्रैच करता हूँ इसमें भी मुझे 10 रुपए मिल चुका है, यानी कि सिर्फ मैंने 1000 रुपए यहाँ पर खर्च किए। 1013 रुपए, मुझे 1 रुपए टैक्स भी नहीं देना पड़ा ट्रांसफर करने में, और टोटल मुझे कितने मिल गया, 35 रुपीज का कैशबैक मिल गया। यानी गाइस आप समझ लीजिए कि 3.5% के हिसाब से मुझे यहाँ पर कैशबैक मिला। मैंने आपको बोला था कि धनी से ज्यादा ही आपको मिलेगा, और कोई जरूरी नहीं है कि गाइस बार बार आपको इतना ज्यादा ही कैशबैक मिले। हो सकता है आप यहाँ पर 100-200 रुपए अर्निंग करोगे, गाइस हो सकता है कम कैशबैक मिलने लगे, लेकिन आप कमाई तो अच्छी खासी यहाँ से कर ही सकते हो। तो गाइस ये सिंपल सा ट्रिक था कि फास्टैग से आप पैसे निकाल सकते हो। गाइस मान लीजिए आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप इस पैसे को कैसे निकालोगे, तो इस पैसे को निकालने के एक दो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है गाइस थोड़ा सा चार्ज लगे लेकिन आपको फायदा भी होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड जिसमें आपको चार्जेस नहीं लगेगा वो है MobiQuick का। ये जो आपको कार्ड मिला है ये कार्ड से आपको MobiQuick में पैसे ऐड कर लेना है, इसी पैसे को MobiQuick में ऐड कर लीजिएगा। MobiQuick में ऐड करने के बाद सिंपल से आपको MobiQuick मर्चेंट के थ्रू उस पैसे को निकाल लेना है। MobiQuick मर्चेंट बना लीजिएगा, सिंपल सा प्रोसेस बनाने का, और MobiQuick वॉलेट में जो आपने पैसे ऐड किए हैं उससे आप MobiQuick मर्चेंट में पेमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपका सेटलमेंट हो जाएगा आपका बैंक में एकदम 0% चार्जेस पर। ये हो गया एक ट्रिक। रेंट पेमेंट एक आप यूज कर सकते हो, अगर जैसे कि फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में रेंट पेमेंट होता है तो फ्रीचार्ज में जाकर रेंट पेमेंट कीजिए और ये वाला कार्ड दे दीजिएगा। आपको सिर्फ 1% का चार्ज काटा जाएगा और आपका पैसा आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। रेंट पेमेंट बहुत सारी जगह पर हो रहा है, बहुत सारी जगह पर नहीं हो रहा है, आप फ्रीचार्ज से कर सकते हो, उससे आपका हो जाएगा। ये 2-3 ट्रिक था, और भी कई जगह कोई ट्रिक मिलता है तो वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आप मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी इसका रिगार्डिंग अपडेट वगैरह आएंगे सब कुछ आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कोई वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।